नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मोदी की चुनावी जनसभा, मंच पर बजाया डमरू, कहा कमजोर सरकार का दुश्मनों ने फायदा उठाया। चुनावी सभा, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तैयारी की तेज। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रचार को धार देंगी प्रियंका गांधी, 13 अप्रैल को रामनगर और रुड़की में चुनावी सभा। पोस्टल बैलेट के जरिए फर्स्ट फेज की वोटिंग संपन्न, 11,000 से ज्यादा दिव्यांग और बुजुर्गों ने किया मतदान। द्वितीय चरण की मतदान प्रक्रिया आज से 13 अप्रैल तक। हाउस टैक्स जमा करने वालों के लिए खुशखबरी, देहरादून नगर निगम ने दी इस महीने 25% की छूट, 5% की अतिरिक्त रियायत। और उत्तराखंड में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, आईएमडी ने तेज हवाओं के चलने का जताया अनुमान, शनिवार और रविवार को कई हिस्सों में होगी बारिश। बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ऋषिकेश में चुनावी सभा करने पहुंचे, जहां पर मंच पर डमरू बजाकर सभा में आई भीड़ का स्वागत किया। गढ़वाली भाषा में सभी को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब जब देश में कमजोर सरकारें रही हैं, दुश्मनों ने फायदा उठाया है, आतंकवाद ने पैर पसारे, आज मजबूत सरकार घर में घुसकर आतंकवादियों को मारती है। पीएम मोदी ने बोला कि माँ गंगा के तट से आपसे आशीर्वाद मांगने यहाँ पर मैं आया हूँ। जब उत्तराखंड आता हूँ तो अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर लेता हूँ। तमिलनाडु के लोग भी कह रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार। आज बाबा केदार की भूमि में हूँ, यहाँ लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार। जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर आतंकवाद ने पैर पसारे, इधर लालकुआ में ओबीसी मोर्चा के जनपद बागेश्वर प्रभारी और दिशा कमेटी नैनीताल के डायरेक्टर देवेंद्र बिष्ट ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि अजय भट्ट की साफ और स्वच्छ छवि की बदौलत पार्टी ने ये कमान उन पर भरोसा जताकर उन्हें टिकट दिया है और उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की बदौलत ही एक बार फिर वो जनता के बीच में हैं और जनता उन्हें पुनः आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि गौला नदी में, आपको बताते चले कि उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से जमरानी बांध की वित्तीय स्वीकृति या फिर बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने के मुद्दे पर संसद में क्षेत्रवासी की बात रखी हो, इन सभी मामलों में उन्होंने प्राथमिकता से काम किया है। अजय भट्ट जी की एकदम इजी और सरल व्यक्ति हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, चाहे जमरानी बाद का मुद्दा हो, चाहे गोला खनन में 5 साल के लिए लीज का मुद्दा हो, चाहे बिंदु खत्ता और बग्गा छप्पन जैसे अन्य भूमिहीन गांवों को राजस्व ग्राम सभा की मांग हो, उन्होंने अपने संसद के पहले सत्र में इसका प्रश्न उठाया। देखो, इस समय हम टोली टोली बन के हर बूथ में जा रहे हैं, हर बूथ में पन्ना प्रमुख बन रहे हैं और लाभार्थी जो जिन्होंने को हमको हमारी सरकार द्वारा लाभ मिला उनसे संपर्क कर रहे हैं। इसमें हमारी कई योजनाओं जो भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की हैं वो हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं।
इधर लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस महकमे ने कमर कस ली है। जानकारी देते हुए लालकुआ कोतवाली कोतवाल दिनेश फरतियाल ने बताया कि संवेदनशील जगहों को पहले से ही चिन्हित किया जा चुका है, जहां पुलिस के जवान पूरे तरीके से मुस्तैद हैं। इसके अलावा आईटीबीपी अर्धसैनिक बलों के द्वारा मुख्य बाजार से लेकर आसपास के सभी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ ही पंजाब पुलिस के विशेष जवान भी तैनात किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सुभाष नगर पुलिस बैरियर, मोटा हल्दू और शहीद स्मारक के पास एसएसटी की टीम तैनात की गई है, जो हर समय सघन चेकिंग अभियान चला रही है। लालकुआ में जो है चार जगह एसएसटी की चेकिंग की जा रही है, जिसमें से तीन जो है लालकुआ क्षेत्र में पड़ती है। सुभाष नगर हो गया, जयपुर बीसा में हो गया और जो है ये शहीद स्थल के पास, तीन जगह हमारी कंटिन्यू चेकिंग चल रही है, जहाँ पे हमने जो है पंजाब पुलिस जो स्पेशल फोर्स है उसको भी लगा रखा है। और आज जो है हमने सीपीएमएफ के माध्यम से साथ जो है अभी पूरे बाजार में और जो है उस बंगाली कॉलोनी इधर गलियों में फ्लैग मार्च किया है, ताकि लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता भी आए और जो है उनको ये एहसास हो कि जो है चुनाव शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष होंगे, किसी प्रकार का किसी पर कोई दबाव या कोई प्रलोभन नहीं दिया जा सकता। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान है। मतदान को बढ़ावा देने के लिए इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं। इस बार 85+ और दिव्यांग मतदाता अपने घरों से ही मतदान कर रहे हैं। इसके अलावा इस बार गर्भवती महिलाओं के लिए भी मतदान के दिन निर्वाचन आयोग डोली की सुविधा देने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक को गर्भवती महिलाओं के लिए डोली की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। रात्रि महिला जो रहेंगे उनके लिए हम डोली का व्यवस्था करने के लिए अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो अच्छा है, क्या है, शांति व्यवस्था के मामले में तो हमारी तैयारी पूर्ण है। हमारा मेन चैलेंज है, उत्तराखंड में हमेशा चैलेंज रहे टर्नआउट, पोलिंग परसेंटेज हमेशा कम रहे, इस बार उसको 75 कैसा करें, ये हमारा मेन चैलेंज है। हमने इस बार काफी अच्छा एक्टिविटीज किया, उम्मीद है लगभग 53 लाख लोगों ने अभी तक शपथ ले लिया है। इधर हाउस टैक्स जमा करने वालों के लिए देहरादून नगर निगम की ओर से बड़ी खुशखबरी है। यदि इस महीने आप हाउस टैक्स जमा करते हैं तो निगम आपको 25% की छूट देगा। बता दें कि ये वित्तीय वर्ष पूरा होने से एक महीने पहले निगम 20% की छूट हाउस टैक्स में देता है। हालांकि वित्तीय वर्ष के पहले महीने में ही टैक्स जमा करने पर 5% की अतिरिक्त रियायत दी जाती है, जिसकी वजह से ये कुल मिलाकर 25% हो जाता है, जो कि हाउस टैक्स जमा करने वालों के लिए फायदेमंद भी साबित होता है। उत्तराखंड में 10 मई से चार धाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव का मतदान 19 अप्रैल को होने के बाद पुलिस की सभी टीमों को चार धाम यात्रा मार्ग पर लगाया जाएगा और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर चार धाम यात्रियों को हर तरह की सुविधा मुहैया भी कराई जाएगी। देखिए, चार धाम यात्रा हमारे प्रदेश में, दो धाम तो 10 मई को खुलने की बात है और 12 मई को बाकी दो धाम खुलेंगे। तो उससे पहले ही, लगभग एक हफ्ते पहले से ही, हमारी जो भी अलग अलग रास्ते में और जो चारों जो पवित्र धाम है वहां पर जो ड्यूटियां लगनी है वो ड्यूटियां लगा दी जाएंगी। और जैसा आप जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ 19 तारीख को चुनाव भी है, 19 अप्रैल को, तो पहले तो जैसे ही ये चुनाव ड्यूटी खत्म होती है तो उसके बाद हम धीरे धीरे फेज मैनर में चार धाम का डिप्लॉयमेंट शुरू कर देंगे। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा परिसर में भारत विकास परिषद के बैनर तले खालसा पंथ के स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 से अधिक लोगों ने स्वैच्छिक रूप से
रक्तदान में हिस्सा लिया है। वहीं भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां समय समय पर परिषद के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, साथ ही गरीब तबके के लोगों की मदद भी परिषद के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। कार्यक्रम में 60 से अधिक यूनिट कलेक्शन का लक्ष्य रखा गया था और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है। आज भारत विकास परिषद शाखा लालकुआ द्वारा खालसा साधना दिवस के उपलक्ष्य में लालकुआ शाखा ने गुरुद्वारा परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें करीब 40 यूनिट रक्त इस समय रक्तदाताओं ने दे चुके हैं। परिषद के लोगों ने, हमारे सदस्यों ने 2-3 दिन से इस काम में बहुत ही मेहनत करी है। मैं सभी सदस्यों और कार्यकर्ताओं का पूर्ण रूप से धन्यवाद करता हूँ। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर ग्राम सभा बड़गांव की ईष्ट देवी मां के मंदिर में हर वर्ष चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर लगातार 9 दिनों तक विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। बता दें कि यहां आए दिन ग्रामीण माता के मंदिर में रात दिन विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं और दोपहर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गाँव में विद्यमान माँ भगवती का मंदिर सभी लोगों को वर देने वाली माता का मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ जो कोई भी माता का भक्त सच्ची श्रद्धा से माता से कुछ भी मांगता है, उसकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। हर दफे जो है माँ हर वर्ष जो है, जैसे चैत्र संवत्सर विशेषो एकादशी का ये पर्व चल रहा है, इसमें जो है संवत्सर विशेषो एकादशी का सन 2024 का जो है नवरात्रा में जो है यहाँ पे हर वर्ष जो है आने जाने के लिए भक्त श्रद्धालु लोग जो है यहाँ पर साथ ग्रहण करते हैं। माँ भगवती का प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे जो है पूरे गाँव जो है एक साथ आकर के सबके लिए भोजन का प्रबंध किया जाता है। यहाँ पर कन्या चैत्र नवरात्र में यहाँ पे हर वर्ष नवरात्रि में ग्राम सभा प्रधानों में व्यक्तिगत एवं पंचायत पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। यह जोशीमठ ब्लॉक में माता रानी का 100% माता भगवती का मंदिर है और हर वर्ष यहाँ पे। उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को पहले रामनगर फिर रुड़की में दोनों संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न नेताओं को रैली के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। संबंधित संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों से लोग यहां पर पहुंचेंगे। इन रैलियों के जरिए पार्टी पूरे प्रदेश में संदेश देने का प्रयास करेगी। इसमें प्रदेश के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। तेरह अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और शाम को 3 बजे रुड़की में, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में रुड़की में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। 2 जनसभाएं उत्तराखंड में प्रियंका गांधी जी की हैं, पहली पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर में, दूसरी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के रुड़की में। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है, खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की ओर करेंगे नैनीताल जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए चलाए गए 3 दिवसीय मतदान अभियान में 90% वोटिंग हुई है। जिला निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि 3 दिवसीय घर जाकर पोस्टल बैलेट वोटिंग अभियान में अभी तक 90% वोटिंग हुई है। जिले में कुल 1419 लोगों ने फॉर्म भरकर 12D का आवेदन कर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए आवेदन किया था, जिनके लिए प्रथम चरण में वोटिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें अभी तक 1290 मतदाताओं के द्वारा मतदान किया गया है। अभी ये प्रक्रिया जारी है। छूट गए मतदाताओं का दूसरे चरण में घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। 8, 9 और 10 अप्रैल को प्रथम चरण का पोस्टल बैलेट का जो घर घर जाकर के मतदान किया जाना था, जिसमें दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को फैसिलिटेट करना था, उसमें 8 और 9 तारीख की रिपोर्ट आज हमारे पास है, जिसमें कुल 1419 मतदाताओं के द्वारा मतदान किया जाना था, जिसमें से 1290 मतदाताओं के द्वारा मतदान कर लिया गया है और ये हमारा 90%। 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर चंपावत पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। बताते चले कि चंपावत पुलिस और SSB ने लोहाघाट नगर में पुलिस कप्तान अजय गणपति के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का नेतृत्व करते हुए SP अजय ने बताया कि उनका पहला उद्देश्य चंपावत जिले में लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से सम्पन्न कराना है, जिसके लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल तैयार है। नेपाल सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक पुलिस के द्वारा 11 लाख रुपए तक की सीजर कार्रवाई की गई है, जिसमें 900 लीटर से अधिक शराब और 21 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। लोकसभा निर्वाचन जो है वो पूरे उत्तराखंड में 19 अप्रैल को उसका वोटिंग होना है फर्स्ट फेज में, तो इसके मद्देनज़र जितना भी हमारे पास CAPF फोर्स डिप्लॉयड है, हमारे पास 2 CAPF की कंपनीज डिप्लॉयड हैं, उनके द्वारा और लोकल थाना के फोर्स के द्वारा आज चंपावत में फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज किया गया। इसके बाद अभी लोहाघाट में जो है एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च किया जाएगा। इसमें डिप्लॉयमेंट के हिसाब से हमने पहले से ही हमारी SSTs और FSTs एक्टिवेटेड। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस के चुनाव प्रचार ने भी तेजी पकड़ ली है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रहलाद सिंह अधिकारी की अध्यक्षता में लोहाघाट
विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने बाराकोट में कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक अधिकारी ने सभी कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बीजेपी के जन विरोधी नीति और कांग्रेस की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला दूरस्थ गांव डुमक गांव के ग्रामीणों ने अब अपने गांव में सड़क नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। बताते चले कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के प्रथम चरण के मतदान के लिए अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन जोशीमठ प्रखंड के दूरस्थ गाँव डुमक गाँव के लोगों की सड़क संबंधित समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिसको लेकर ग्रामीण कई बार अपने ही गाँव में आंदोलन तक कर चुके। इस बार ग्रामीणों ने तय किया है कि अगर उनकी सड़क की मांग को समय रहते पूरा नहीं किया जाता है तो ग्रामीण चुनाव का पूरे तरीके से बहिष्कार करेंगे। नहीं तो वोट नहीं के नारे से सारी गांव की गली को छादित की और मतदाता जागरूकता अभियान कल हमारा समाप्त तो हो गया, जो वोट बहिष्कार के संदर्भ में था। और आगे हम कल से हर रास्तों पे पेंट के द्वारा लिखा जाएगा कि रोड नहीं तो वोट नहीं है, कि हमें रोड मिलेगी। लेकिन हम निराश होकर के अब हमने ऐसे मेला मंगल दलों ने ऐसे ठान लिया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। सब महिलाओं ने, युवक मंगल दलों ने। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मोदी की चुनावी जनसभा मंच पर बजाया डमरू, कहा कमजोर सरकार का दुश्मनों ने फायदा उठाया, आज घर में घुसकर आतंकियों को मारते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रचार को धार देंगी प्रियंका गांधी, 13 अप्रैल को रामनगर और रुड़की में चुनावी सभा, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तैयारी की तेज। पोस्टल बैलेट के जरिए फर्स्ट फेज की वोटिंग संपन्न, 11,000 से ज्यादा दिव्यांग और बुजुर्गों ने किया मतदान, द्वितीय चरण की मतदान प्रक्रिया आज से 13 अप्रैल तक। हाउस टैक्स जमा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, देहरादून नगर निगम ने दी इस महीने 25% की छूट, 5% अतिरिक्त रियायत। और उत्तराखंड में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, आईएमडी ने तेज हवाओं के चलने का जताया अनुमान, शनिवार और रविवार को कई हिस्सों में भारी बारिश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहें जन टीवी, नमस्कार।